हेलो फ्रेंड्स, देखें मैंने इसे रिपोर्ट कर लिया है। ये मेरे पास छोटे छोटे जो ये नर्सरी वाले प्लांट रहते हैं, एथी प्लांटर हैं फ्रेंड्स, मिट्टी वाले, जो ये मिट्टी के प्लांटर में जो नर्सरी से मैं प्लांट लाती हूँ, बहुत छोटे छोटे 5 इंची के पॉट है ये फ्रेंड्स, देखें। तो मैंने इसे सबको खोज करके और सब में मैंने ये देखें मेरे पास अवेलेबल था मिट्टी का पॉट छोटा छोटा। तो मैं इसे बालू वाले मिट्टी में, सिंडर वाले मिट्टी में, देखें फ्रेंड्स मैंने सबको रिपोर्ट कर दिया है। और अब देखें इसका, उसके बाद मैंने इसमें साफ फंगिसाइड का पानी घोल करके 1 लीटर पानी में, और मैंने इसे सब में डाल दिया है फ्रेंड्स। तो ये एकदम अभी सारे पानी इसके निकल गए हैं फ्रेंड्स, देखें। और ये सिर्फ मिट्टी गीले बचे हुए हैं, और बालू है, मिट्टी है, और गोबर की खाद है फ्रेंड्स। मेरे पास वर्मी कंपोस्ट अभी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसमें गोबर की खाद मैंने डाला है, सड़ा हुआ गोबर का खाद था मेरे पास, और ये बालू डाला है, और थोड़ी सी मिट्टी 60% मैंने बालू डाला है, 20% मिट्टी डाला है, और 20% मैंने गोबर की खाद डाला है फ्रेंड्स। और देखिए मैंने इसे रिपोर्ट तो कर दिया, क्योंकि मैं इसे कल ही लाई हूँ, और कोकोपीट में मैंने लगा दिया था, तो मैं जल्दी से इसे रिपोर्ट करना चाहती थी। तो मेरे पास ये जो अवेलेबल थे मिट्टी के पॉट, इसके लिए मिट्टी का पॉट ही सबसे अच्छा होता है फ्रेंड्स एडेनियम के लिए, तो मैंने उसे रिपोर्ट कर दिया है। अभी इसके लिए ये पॉट बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, ये जब बड़ा होगा तब इसको 10 इंच के पॉट में मैंने शिफ्ट करूँगी, और उस समय मैंने एडेनियम का पॉट खोजूँगी। यदि मेरे मार्केट में मिल जाएगा, मेरे नर्सरी में यदि मिल जाता है, तो मैं एडेनियम वाला पॉट लूँगी बोनसाई टाइप का, और नहीं मिलेगा तो मैं फिर इसी टाइप में 10 इंच के पॉट में मैं इसे रिपोर्ट कर दूँगी फ्रेंड्स। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें फ्रेंड्स। थैंक यू।